बुजुर्ग, मातृशक्ति, सभी युवा साथी, नौजवान साथी, सभी छोटे छोटे बच्चे, सभी का यहाँ पहुँचने पे इस प्रांगण में मैं हार्दिक दिल की गहराइयों से नंदन वंदन अभिनंदन करती हूँ। देखिए, आगामी 5 अक्टूबर को अपना विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव एक बार होगा, वोट एक बार डलेगा और सरकार होगी 5 साल की। तो सारी बातें जो आज मैं बताऊं वो आपको याद रखनी है। और पिछले 10 सालों से अपने बीच में एक ऐसी सरकार थी, बीजेपी सरकार, जो पिछले 10 सालों से 2 बारी आप लोगों ने मौका दिया, लेकिन लोहारू हल्के के विकास के लिए वो सरकार विफलता के अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ भी अपने हल्के के लिए दे पाई है। आप लोग चाहे गली की हालात देख लो, चाहे बस स्टैंड की हालात देख लो, चाहे युवा साथियों के हालात देख लो, बहनों के हालात देख लो, किसानों के हालात देख लो, शिक्षा के हालात देख लो, हर जगह और हर फील्ड में जो भी सरकार है उसने सिवाय रोड बनने के कोई भी काम, कोई भी नई योजना लोहारू हल्के तक मुक्त कराने का काम बिल्कुल भी नहीं किया। हमें आगामी 5 तारीख को देखिए, इस सरकार के खिलाफ, इस जो तानाशाह सरकार है, उस तानाशाह सरकार का, उस तानाशाह मंत्री का, जो अपने से, अपने हल्के से ही हमने मंत्री बना रखा है, उस मंत्री के खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ हमें एक लड़ाई लड़नी है। लड़ाई लड़नी है युवा साथियों को रोजगार दिलाने के लिए, लड़ाई लड़नी है किसानों के लिए, लड़ाई लड़नी है। हमें वो लड़ाई किसानों के लिए लड़नी है, युवा साथियों को रोजगार दिलाने के लिए लड़नी है, लड़ाई लड़नी है सारे बुजुर्ग लोगों के लिए। हर जगह हर फील्ड में हमें लड़ाई करनी है, क्योंकि हमें लोहारू हल्के का विकास हरियाणा पे नंबर 1 पे लेके आना है। मैं बात करूं कांग्रेस सरकार की योजनाओं के बारे में, जो गरीब परिवार को 100 गज का प्लाट और 3.5 लाख रुपए के लागत से उनके 2 कमरों का मकान तैयार करवा के दिया जाएगा। बात करें बुढ़ापा पेंशन की, विधवा पेंशन की, वो आज 3,000 रुपए सरकार बनते हैं। मैं बात करूं युवाओं की, तो जो 2 लाख पद खाली पे जल्द से जल्द भर्ती शुरू करी जाएगी, नियुक्ति का काम की किया जाएगा। जो एक पहले एक योजना आती थी, पदक लाओ पद पाओ खिलाड़ियों के लिए, वो योजना कांग्रेस सरकार आते ही वापस से लागू हो जाएगी। महिलाएं कहीं पे भी जाती है, रोडवेज में, बस में, हरियाणा में, तो उनका कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा, हर दिन उनका रक्षाबंधन की तरह बनेगा। कहीं पे भी वो जाए हरियाणा में, कोई किराया नहीं लिया जाएगा बस में। जो गैस सिलेंडर आज 1100 का मिल रहा है बीजेपी सरकार में, वो रसोई सिलेंडर आपको 500 रुपए का मिलेगा कांग्रेस सरकार के आते ही। हर परिवार, यानी वो गरीबी रेखा से ऊपर है चाहे नीचे है, हर परिवार की 300 यूनिट बिजली का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, उसका भी बिल्कुल 0। देखिए, जो ये योजनाएं हैं, किसानों की मैं बात करूं, उनको फिक्स्ड MSP लागू किया जाएगा उनके लिए, और तत्काल में उनको मुआवजा दिलाने का काम किया जाएगा सरकार द्वारा और राजवीर फटिया द्वारा। जितनी भी योजनाएं इस वक्त की है कांग्रेस सरकार की है, वो योजनाएं हर वर्ग को ध्यान में रख के बनाई गई है, चाहे बात हो युवा साथी की, चाहे बात हो किसानों की, चाहे बात हो अपने बुढ़ापा पेंशन की। हर फील्ड में, हर वर्ग में ये योजनाएं देख के गरीबों के हित में काम करने के लिए, विकास के लिए, शिक्षा के लिए, हर फील्ड में, हर वर्ग में काम हो, विकास हो, इसको मद्देनजर रखते हुए ये घोषणा पत्र, ये योजना पत्र जो मैंने आपको बताया है, ये पूरे हल्के का विकास करेगा। और आने वाले 5 साल देख लीजिएगा, 5 सालों तक ये स्कीम, ये योजनाएं लागू रहेंगी। आने वाले 5 साल देखिए बहुत कीमती है अपने हल्के के विकास के लिए। जो पीछे 10 वर्षों में जो हमसे 2 बार गलती हुई बीजेपी सरकार को बना के, वो गलती हमें दोबारा नहीं दोहरानी। राजवीर फटिया जी वो व्यक्ति है जो 36 बिरादरी के साथ कंधे से कंधा मिला के हर सुख में, हर दुख में खड़े रहे, ऐसा व्यक्ति और ऐसा समाज सेवी, ऐसा दानवीर, ऐसा कर्मठ व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, जुझारू व्यक्ति, मेरे तो डिक्शनरी शब्दकोश कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं क्या क्या बोलूं उनके बारे में। सुबह से देखो रात हो जाएगी, रात से सुबह हो जाएगी। आप लोगों को पता है उन्होंने कन्या मुहिम, कन्या दान, जल सेवा, महिलाओं के लिए खाटू जाम घुमाने की सेवा, हर फील्ड में, हर जगह उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों को इकट्ठे होना है 36 बिरादरी की।
इकट्ठे होना है, छत्तीस बिरादरी के भाइयों को इकट्ठा होना है और पूरा समर्थन, जैसे राजवीर फटिया जी एक आवाज पे खड़े हो जाते हैं आप लोगों की, वैसे ही आपको भी अपना भाईचारा, अपना पारिवारिक काम समझते हुए आगामी 5 तारीख को हाथ के निशान पे वोट डाल के आना है। आप लोगों को मैं याद दिला दूं, देखिए जो अपने हलके से जो मंत्री है, जो वर्तमान का मंत्री है, जो विपक्ष का मंत्री है, वो मंत्री जो किसान भाई है, किसान इतने शहीद हो गए लेकिन दुख के आंसू बहाने के अलावा उनके मुंह से ऐसी टिप्पणी आई गई कि वो टिप्पणियां मैं बोल भी नहीं सकती, दुख तो बहुत दूर की बात है। वो व्यक्ति, वो मंत्री अपने हलके का विकास या योजनाएं तो जब देगा जब उसको बात करने का तरीका पहले आए। वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो आपकी बहन बेटी, हमारी बहन बेटी, अपने हलके की बहन बेटी, पूरे लोहारू की बहन बेटी, पूरे भारतवर्ष की बहन बेटी के बारे में जो अभद्र टिप्पणी करी, देखिए यही समय है और ये हमें बाप का जवाब के अब देना है। 5 तारीख को सिर्फ एक बटन दबा के देना है कि हाथ का निशान दबा के, और ये हाथ संकेत करेगा कि बस भाई आपका राज खत्म होता है और अभी इसी हाथ के साथ हम आपको पाए करते हैं और इसी हाथ के साथ हम अपने राजवीर फटिया जी का स्वागत करते हैं अपने लोहारू हलके में। देखिए राजवीर फटिया जी पिछले इतने वर्षों से जैसे आपके बीच में खड़े हैं, वैसे आने वाले समय में भी हमेशा एक आवाज पे खड़े रहेंगे और जो आज मेरे को पगड़ी पहना के आपने मान सम्मान दिया है, उस मान सम्मान को 4 गुना करके और 4 चांद लगा के दिया जाएगा उस मान सम्मान को। आज सभी लोग देखिए, पूरे मैं ग्राम वासियों का धन्यवाद करती हूँ, पूरे नायक समाज का मैं धन्यवाद करती हूँ जो इतने कम समय में आप इतनी जल्दी इकट्ठे हो गए, दोपहर के समय, धूप के समय, कुछ ना देखते हुए आप सभी लोग अपनी बेटी के लिए, अपनी पोती के लिए, अपनी बहन के लिए एक आवाज में खड़े हुए। ऐसे ही जो आपने प्यार दिया, उस प्यार के लिए, उस टाइम के लिए मैं आभार व अभिनंदन व्यक्त करती हूँ सभी का। और आने वाली 5 तारीख को यही प्यार, यही विश्वास और ये आशीर्वाद फिर से दे के आना है आप सभी को राजवीर फटिया जी के लिए। आप सभी लोग देखिए, अगर 5 तारीख को हाथ का बटन दबाएंगे तो अभी हाथ खड़ा करके मुझे आश्वासन दिला दो। हाथ खड़े नहीं है भाई सबके, बड़ा करो अपना से। राजवीर फटिया जी के जो भी समर्थक हैं, जो राजवीर फटिया जिंदाबाद। देखिए आप सभी के प्यार के लिए जो आप सबने आश्वासन दिया कि आगामी 5 तारीख को आप सब लोग राजवीर फटिया जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे, उस आश्वासन के लिए मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। अब मैं 2 नारे लगाऊंगी, लेकिन नारों में जोर होना चाहिए, नारों में जोश होना चाहिए। जिस प्रकार लोहारू हलके के लिए राजवीर फटिया जी ने कभी भी 1 मिनट भी नहीं सोचा, वैसे ही उनकी जो आवाज होगी अभी नारों की, वो चंडीगढ़ पहुंचानी है कि चंडीगढ़ हम कुर्सी पे बिठाने का काम हम राजवीर फटिया जी को करेंगे। मैं बोलूंगी, मैं भी आपको बोलना है राजवीर फटिया, मैं भी राजवीर फटिया, मैं भी राजवीर फटिया, मोर का हाल लगाओगे, हाथ में लगाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।